जय जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है इस क्रिएटर माडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में एक वाक्य आजकल काफी विवाद में है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ प्यार करना, शिक्षा देना और देखना, ऐसा ही कुछ कथावाचक और साधुओं का कहना है। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक दोहा पढ़ने के बाद हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लिखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचार पूर्वक शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार, ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार, तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाए, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग है। जैसे सकल ताड़न की अधिकारी, ठीक है, भला तुलसीदास जी शुद्ध भक्त ऐसा क्यों लिखे कि भाई स्त्री जो है ये भी ताड़न मतलब पीटने की अधिकारी है, ढोल ये भी पीटो, शूद्र को पीटो, पशु को भी पीटो। मतलब भगवान को भक्त ऐसा लिख सकता है क्या? तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आचार्य समझा रहे हैं, सकलन ताड़न के अधिकारी का मतलब है ये देखने के योग्य है, इनको देख करके इनका हाथ समझ जाना चाहिए। जैसे ढोल होता है ना, मृदंग होता है, देख के समझा वह गीला हो गया, थोड़ा पानी लेके आना, पानी लगा दिया, अब ढोल बढ़िया बजेगा। शूद्र, शूद्र को देख कर इसको खाना नहीं मिला क्या, ऐसे उदास को बैठा है, इसको खाना दो। अच्छा पशु, पशु भी उदास बैठा होगा, इसको क्या हो गया, पशु ऐसे उदास बैठा है। ताड़न के अधिकारी मतलब देख के समझ जाना। स्त्री को भी कहते क्या हो गया, बड़ी उदास उदास बैठी हो, क्या हो गया, सब ठीक है, बताओ अपने दिल की बात बताओ क्या हो गया। ताड़न के अधिकारी मतलब ताड़न मतलब देखना, देख करके इनको समझ आना चाहिए कि हालचाल कुछ गड़बड़ नहीं लगता है। ताड़न का मतलब ये नहीं कि ढोली पीटो, शूद्र पीटो, पशु पीटो, स्त्री इसको पीट लो। दोस्तों, आपने इनको तो सुन लिए होंगे कैसे ताड़ना का अर्थ अलग अलग आपको बता रहे हैं। दोस्तों, थोड़ी धीरज रखें, मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ताड़ना का अर्थ क्या है। दोस्तों, तुलसीदास द्वारा लिखित ग्रंथकार कोटिका से श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पृष्ठ संख्या 786 श्लोक संख्या 59 चौपाई संख्या 3 की दूसरी पंक्ति में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति में आए शब्द ताड़ना का अर्थ है मारना, पीटना, सजा देना बताते हुए कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि तुलसीदास नारी और शूद्र के विरोधी थे, लेकिन वही मनवादी लोग ताड़ना का अर्थ ताड़न आदि अलग अलग बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा ताड़ना शब्द के अर्थ को। दोस्तों, किसी भी शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढना चाहिए, उसके बाद अन्य प्रमाण देखने चाहिए। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी शब्दकोश बामन शिवराम आपटे द्वारा लिखी हुई शब्दकोश में देखते हैं, पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 240 पर ताड़ना का अर्थ सजा देना, पीटना, आघात करना बताया है। प्रमाण संख्या 2 लेते हैं, महाभारत के 6 खंड पृष्ठ संख्या 5813 में ताड़ना का अर्थ सजा देना बताया है। इन प्रमाणों से भी ताड़ना का अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन तुलसीदास ने खुद इसका अर्थ बताया है, अभी देख लेते हैं। तुलसीदास ने लिखा है श्री रामचरितमानस कोटि काशी में पृष्ठ संख्या 666 श्लोक संख्या 34 पर पहली चौपाई की पहली पंक्ति में लिखा है कि सापत ताड़त परुष कहंता, और इसका अर्थ बताया है कि सापत यानी कि श्राप देता हुआ, ताड़त यानी कि मारता हुआ, और पुरुष कहंता यानी कि कठोरवाचक कहता हुआ। दोस्तों, साफ हो जाता है कि तुलसीदास ने खुद ताड़त शब्द का अर्थ मारना बताया है। ताड़त, ताड़नम व ताड़ना सामान्य शब्द है, एक ही शब्द है। ताड़ना, मारना, पीटना, सजा देना आदि होता है, चाहे मनवादी लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है।